मैं अपनी गलती खुद से करी, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ना करो, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली या मैंने कहीं से कुछ, कि इंग्लिश ही तो है हम रोज बोलते हैं वहाँ बोल देंगे, कैसे मैंने $500 खराब करे अपने। आप प्लीज ये गलती मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है। एंड स्पीकिंग में 88 हाय गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, दिस इज कैप्स लॉक एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट एक कहानी, मेरी कहानी जो मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती करी रिसेंटली। और ये गलती कोई ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं है, आपने टाइटल में पढ़ लिया। इस गलती की वजह से मुझे $500 का नुकसान हुआ। एंड ये मैं बोलूँगा कि आप में से कोई भी आ रहा है तो इस गलती को प्लीज़ ध्यान रखो कि ये गलती ना करें। एंड वैसे आपने टाइटल में देख लिया है कि किस से रिलेटेड बात हो रही है, पीटी एग्ज़ाम जो है उससे रिलेटेड बात हो रही है, क्योंकि मुझे डालना है टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा, मतलब कि वर्क वीज़ा, मतलब कि 485 सब क्लास 485 वीज़ा के लिए। तो उस चीज़ को करने के लिए मुझे एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। एंड इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, पहले तो ये कि मैंने गलती क्या करी, कैसे मैंने $500 ख़राब करे अपने। दूसरी चीज़, पीटी के लिए आप तैयारी अगर कर रहे हो, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली या मैंने कहीं से कुछ कहते ना कहीं से कुछ पे करके कुछ नहीं खरीदा, मैंने जो भी तैयारी करी खुद ने करी। एंड मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी। एंड साथ साथ मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स कह लो या कुछ टिप्स कह लो जो मुझे एप्लीकेबल हुई है एग्ज़ाम में, जो अगर आप एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ट्राई आउट कर सकते हो, क्योंकि जो बेसिक आइडियाज़ हैं, जो बेसिक वेज़ हैं एग्ज़ाम को करने का, वो ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स या फिर लोग बता रहे हैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में। बट मैं बिल्कुल ऑनेस्ट एक पॉइंट रखूँगा जो मैंने पर्सनली यूज़ करा, एंड उसकी वजह से मेरा जो रिज़ल्ट आया या जो कैसे ख़राब हुआ, लंबी कहानी बताता हूँ। ओके, सो पहला है स्टोरी टाइम। सो स्टोरी टाइम ये है कि मैंने अपना पीटी का एग्ज़ाम बुक किया, मैंने बुक किया था क्योंकि डेट्स नहीं मिल रही हैं फ़िलहाल। तो मैं मेलबर्न की बात कर रहा हूँ अभी, पर्थ में तो बहुत बुरा हाल है, मैंने अपनी बहन से बात करी थी, वहाँ तो एक एक महीने बाद डेट मिलती है। बट एनीवेज, सो मैंने जुलाई में बुक किया, जुलाई के एंड में, एंड मेरे पास 30 अगस्त तक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा है। एंड 30 अगस्त से पहले पहले मुझे अपना वीज़ा लॉन्च करना है, TR लॉन्च करना है। तो मैंने ये वीज़ा लॉन्च करने के लिए PT देना था, मैंने डेट बुक करी 28 जुलाई को, मैंने डेट बुक करी, नहीं 28 से पहले मैंने 24 जुलाई के आसपास मैंने डेट बुक करी, और डेट थी 1 अगस्त, पहली अगस्त की मेरी डेट थी। और 1 अगस्त को मैं गया, रेडी हुआ, बिल्कुल टाइम से उठा, सब कुछ किया। एंड पर्सनली मैंने कोई तैयारी नहीं करी। मेरी गलती ये थी कि मैं बहुत लीनियंटली ले रहा था चीज़ों को, आई एम रियली बीइंग ऑनेस्ट। गलती मैं शायद ये बाद में देख के शायद सोचूं कि मैंने क्यों बोला, बट ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि ये मैंने नहीं, शायद हो सकता बहुत लोग सोचते हो कि इंग्लिश ही तो है हम रोज़ बोलते हैं वहाँ बोल देंगे, ऐसे काम नहीं करता। एनीवेज, सो आगे ये हुआ कि मैंने एग्ज़ाम पे गया, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी मेरा सेंटर था। हालांकि स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में जो एड्रेस दिखा था, आपको सीधे जाकर के राइट जाना है, जैसे स्टेशन से आप निकलोगे ये लाइब्रेरी की तरफ ले जाएगा आपको एड्रेस, बट रियल वर्ल्ड में आपको लेफ्ट लेना है स्विनबर्न यूनिवर्सिटी वाले स्ट्रीट पे आते ही, और लेफ्ट में आपको वहीं पूछ लेना, स्टेशन से निकलते ही लोगों से पूछना अगर स्टूडेंट लगे कि मैं पीएसएन बिल्डिंग ढूंढ रहा हूँ मुझे बता दो। मैं लेट होने लगा था तो मैं पहुँच गया, लेट मैं ऐसे होने लगा था कि मैं पहुँच, घर से तो बहुत टाइम से निकल गया, मैं अपनी यूनिवर्सिटी जाके बैठा, दोस्तों से बातें करी, चिल किया, जो कि मेरी गलती थी, मैं लीनियंटली ले रहा था चीज़ों को, एंड आई एम एग्रिंग टू द फैक्ट कि हाँ मेरी गलती है। सो उसके बाद मैंने किया ये कि मैंने अपना सेंटर देख लिया, गया वहाँ जा करके, मैं बैठा, बैग उतारा, मैंने देखा एक बंदे के हाथ में था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू टेक द एग्ज़ाम, विच इज़ पासपोर्ट। मैंने देखा भाई मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे को सडनली रियलाइज़ हुआ, पूरे रास्ते मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, यहाँ से 1.5 घंटा 2 घंटा दूर था स्विनबर्न यूनिवर्सिटी में, गया वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ और मैं पासपोर्ट लाना भूल गया। मैंने देखा टाइम 3 बजे एग्ज़ाम था, 2:30 बजे मैं उसमें हूँ, मैंने 2:30 बजे रियलाइज़ किया, 1/2 घंटे में तो कोई चांस नहीं कि वो आ जाए। एनीवेज, मैंने उससे पूछा कि जो वहाँ पर रिसेप्शन पे था कि क्या मैं लाइसेंस के थ्रू कर सकता हूँ, साफ मना, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं है। IELTS PT एग्ज़ाम में सिटीजनशिप चेक करी जाती है, तो पासपोर्ट इज़ अ मस्ट। तो मुझे उन्होंने बोला कि मैं आपकी रिपोर्ट फाइल करता हूँ, क्योंकि आई वॉज गेटिंग स्ट्रेस्ड आउट। मैंने उन्होंने कहा रिपोर्ट फाइल कर देते हैं हम आपकी, उसने लिखा, फिर मैं मेरे को एग्ज़ाम देने का नहीं मौका दिया उसने, उसने कहा बैठो बट आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ओके,
हो सकता है इसमें कमेंट्स में लोग लिखें कि मेरी गलती थी ये, हाँ मैं मान रहा हूँ मेरी गलती थी, तो आप मुझे फिर से हेट या गाली देने का कोई पॉइंट नहीं है। मैं अपनी गलती खुद से करी, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ना करो। फिर हुआ ये, उन्होंने रिपोर्ट फाइल करी, मैंने फ़ोन किया पीएसएम डिपार्टमेंट को, उन्होंने फ़ोन उठाया काफ़ी देर बाद, बट स्टिल उन्होंने कहा कि हम रीस्केड्यूल नहीं कर सकते, इट्स नॉट अ वैलिड रीज़न, एंड ऑल्सो रीज़न भी वैलिड है तो वो आपकी गलती की वजह से, एंड ऑल्सो 14 डेज पहले बताना होता है अगर आपको डेट चेंज करनी है, अनलेस मेडिकल इमरजेंसी है। तो बाई चांस अगर आपके साथ ऐसा हो तो मेडिकल इमरजेंसी का अगर पॉइंट है तो फिर वो फिर भी मानेंगे, पर अदरवाइज अगर वो अपने खुद की गलती की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से जिसके ज़िम्मेदार आप हो, उसकी वजह से अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे या नहीं बैठ पा रहे, दैट्स योर फॉल्ट। $500 वैसे 460 बट 500 ही मान लो आने जाने का खर्चा, तो अराउंड आपका जो $500 है वो PSN की जेब में बैठे बिठाया गया। हालांकि मैंने उससे बात करी तो उसने ये बोला कि यार ये सही नहीं है, रिसेप्शन वाले ने खुद बोला कि ये चीज़ सही नहीं है, बट हम कुछ कर नहीं सकते, वी आर जस्ट वर्किंग है, वी आर एम्प्लॉयज, तो हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकते। ओके, आई वॉज फक्ड अप, मेरा दिमाग खूब ख़राब होने लगा, मुझे लगा क्या करूँ मैं, क्या नहीं करूँ, नहीं हो सकता रिसेप्शन, मैंने मान लिया। इफेक्ट मैंने घर में पापा से बात करी, उन्होंने कहा बेटा हो गया क्या कर सकते हो, मैंने घर में मैंने यहाँ पर लोगों को बताया, कुछ लोगों को, तो मेरी गलती थी मैं मान रहा हूँ, एंड आप प्लीज़ ये गलती मत करना, मेरी रिक्वेस्ट है, इसकी वजह से आपके $500 जा सकते हैं, ये गलती आप मत करना। एंड पेपर में मेरा कोई रिजल्ट ही नहीं आया, एंड ऑल्सो अब मेरे को क्या था, मुझे नया बुक करना है, मैंने कहा मैं ट्रेंड और मेरे दिमाग से स्ट्रेस निकले उससे पहले ही नया बुक कर देता हूँ। मैंने कोशिश करी, वो नहीं कर सकता क्योंकि ही सेड दैट आई कैन ओनली बुक द नेक्स्ट एग्ज़ाम आफ्टर 24 आवर्स। हालांकि मैं घर आया तो शायद 6-7-8 घंटे बाद मैंने देखा तो पोर्टल वापस मेरे पास एप्लीकेबल हो रहा था। मैंने कोशिश तो करी बट अलाउ नहीं कर रहा था बुक करने का, बिकॉज इट वॉज सेइंग दैट यू आर करेंटली इन द एग्ज़ाम, बट जैसे ही शायद उसके बाद बाकी लोग रिजल्ट आ गए होंगे जो वहाँ थे, तो मुझे अलाउ कर दिया कि मैं रिजल्ट ले सकता हूँ और मैं रिजल्ट विच इज़ 0 रिजल्ट एंड अगला बुक कर सकता हूँ। मैंने किया 3 तारीख का कल, एंड मैं गया एग्ज़ाम देने, मेरी फट रही थी क्योंकि मैंने कहा अगर कम बैंड आ गया या जो भी बोलते हैं उसे स्कोर कम हो गया तो मुझे फिर से 500 और 500 हज़ार और फिर 500 1500, नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं इतने। सो मैंने दिया एंड मेरा रिजल्ट आया कुछ ऐसा, 76 74 79 एंड स्पीकिंग में 88। हाँ, क्योंकि मैं BWS में जॉब करता हूँ तो शायद मैं इस वजह से बोल के लोगों से इतना फ्लुएंट हो गया हूँ या कुछ भी कह लो, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूँगा, बट हाँ अगर आप कम्युनिकेट करते हो, वही मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ, बी एक्सट्रोवर्ट, टॉक टू सो मेनी पीपल्स एंड यू कैन इवेल्यूएट हाउ इंग्लिश वर्क्स इन रियल लाइफ, नॉट जस्ट लाइक एन एग्जाम बट ऑल्सो, देख रहे हो तुम भाई का, तो ऐसे आप हेल्प कर सकते हो, तो लोगों से बात करो इंग्लिश में, ये मेरी एक टिप है। और कुछ टिप्स देते हैं अब, तो ये मेरा रिजल्ट आया, अच्छा खासा स्कोर हुआ, मैं TR हायर कर दूँ। सो अब बात आते हैं टिप्स की। तो अगर आप PTE कर रहे हो, देखो पहली जो चीज़ें मैंने फॉलो करी, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, ठीक है, APE यूनी करके वो है, वहाँ पर आप $25 दे करके पर मंथ प्लान ले सकते हो। उसमें क्या है, मॉक टेस्ट आते हैं हर सेगमेंट के, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग के, राइटिंग के, लिसनिंग, समराइज, ये वो सब कुछ, तो आप उसे कर सकते हो। हालांकि मैंने उससे लिया नहीं, मेरे पास में एक दोस्त है उसने मेरी हेल्प करा, एंड यप सो साथ यूट्यूब से कैसे हेल्प ले सकते हो, यूट्यूब से ना आप वीडियोस पे जाओ, लैंग्वेज अकेडमी वगैरह बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा बट मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी हैं, बट स्टिल आप ना ट्रिक्स देखो, ट्रिक्स कुछ ऐसी जैसे कि मैं अभी बताऊँगा आगे, तो ट्रिक्स देखो और अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो। बुक पढ़ो, ये मेरे पीछे बुक रखी है, मैं ऑलमोस्ट डेली पढ़ता हूँ, एंड हालांकि हाल फिलहाल में थोड़ा कम हो गया था बट मैं वापसी से लाइन पे ला रहा हूँ, तो बुक्स पढ़ो एंड अपने काम पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, एंड हर दिन अगर बहुत टाइम है तो हर दिन 15 मिनट, और बहुत एक दो हफ्ते बचे हैं तो हर दिन आधा घंटा, और बिल्कुल एक हफ्ता बचा तो एक घंटा हर दिन, आपके आ जाएंगे बैंड्स, अच्छे खासे बैंड आ जाएंगे, या मेरे आ गए तो फिर तो किसी के भी आ जाएंगे, मैं तो पढ़ा भी नहीं था बट स्टिल। सो या एंड ट्रिक्स की बताया था, देखो जल्दी जल्दी बताते हैं। पहला, कंटेंट, प्रोनंसिएशन, फ्लुएंसी, 3 चीज़ों पे मार्किंग होती है, फ्लुएंसी मैटर्स, जितना फ्लुएंटली बोलोगे। रीड अलाउड में आए मेरे पास, मैं भूल रहा था कि क्या उसने बोला है, या फिर रिपीट सेंटेंस में भूल रहा था, बट मैं इस फ्लो में बोल रहा था कि उसे पता ही नहीं चला सिस्टम क्या रहा है भैंस की। तो ये और कुछ ट्रिप है कि कीवर्ड्स लिखोगे जब आप समराइज टेक्स्ट में, जो तैयारी कर रहा है वो समझ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप समराइज टेक्स्ट में या फिर रीटेल लेक्चर में इन सब में कीवर्ड्स लिख रहे हो, तो मैं बोलूँगा कीवर्ड्स नहीं, की फ्रेजेस लिखो,
कुछ ऐसे दो तीन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच आर सेट बाय द स्पीकर, ताकि आप उसको फ्रेज बना के भेज सको। डिस्क्राइब इमेज में टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, खैर टेम्पलेट वाली बात तो ये है कि अगली तीसरी ट्रिक ये है कि टेम्पलेट यूज़ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन यार वहाँ जाओगे ना सब टेम्पलेट निकल जाएगा दिमाग से, और अगर याद भी रहेगा तो सेम टू सेम मत पेलो, सिस्टम समझ गया, इतने साल से पीढ़ी चल रहा है सेम सेम टेम्पलेट, आप पेलते रहोगे क्या, अपना कुछ बनाओ। चौथी टिप, ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करने के लिए एक मिनट रखो कि जल्दी जल्दी ऊपर लाइन से पढ़ लो सारा और रिवाइज कर सको। चौथी पाँचवीं ट्रिप कि आपको एक काम करना है, रीडिंग में ना और लिसनिंग में, एक जब वो स्पीच आती है तो इन दोनों में ना पैसेज को और जो वो बोलेगी इन दोनों को समझने की कोशिश करना है, रिस्पेक्टिव ऑफ आंसर ढूंढने की कोशिश। नेक्स्ट ट्रिप, पैनिक मत होना, ये तो बहुत है। और लास्ट मैं बोलूँ, ये मान के जाना इंग्लिश का एग्ज़ाम है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हाँ, स्पीकिंग वाले सेक्शन में ना बंदे चिल्लाएंगे यार तेरी भाई, मेरा तो पहली बार था, मेरा सर घूम गया भाई, सारे कहाँ कहाँ से बोल रहे हैं, बट स्टिल। और माइक को ज़्यादा पास में रखना, थोड़ा सा दूर रखना है तो वो हवा की आवाज़ आती है शायद, एनालाइज करें ना करें। सो या एक छोटी सी लास्ट टिप जो मेरी, ये मेरे लिए काम करी, जब जब स्पीकिंग में आपको वन वर्ड आंसर में आंसर ना पता ना, तो लोग जो आई डोंट नो बोल देते हैं ना, मत करना। मैं बोलूँगा कुछ भी मत बोलो, ये थोड़ा सा ना मेरा ऐसा मानना है, मैंने ट्राई किया ऐसा ना, माइक हिला दो थोड़ा सा, तीन चार मेरे गलत थे बट फिर भी मेरा 88 आया है स्पीकिंग में, ऐसा माइक हिला दो, उसे लगेगा शायद बैकग्राउंड नॉइज़ उसकी वजह से बंदे का आंसर रजिस्टर नहीं हुआ, तो यू नेवर नो, यू कैन स्कोर मोर। सो या ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी, दिस वॉज हाउ आई प्रिपेयर फॉर पी टी, एंड दिस इज हाउ आई गॉट दीज मार्क्स, एंड दिस इज वॉट द ट्रिप्स एंड ट्रिक्स दैट वर्क फॉर मी। सो या बाकी आई होप आप लोगों को ये समझने में आया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप फॉलो करना चाहे कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो भेज दो, दोनों आईडीज़ पे फॉलो कर लेना। एंड अगली वीडियोस में देखते हैं, आपको बनाते हैं कुछ आपके लिए, शायद इस अभी शूट कर लूँ अगली वीडियो में शायद, क्योंकि मेरे पास टाइम आजकल कम बच रहा है, बट स्टिल खुशखबरी आने वाली है बहुत सारी, बच्चा नहीं हो रहा है मेरा, खुशखबरी आने वाली देंगे आपको। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं अभी।